हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉर्फोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे और उसको समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैमोसेपैलस। जब भी सेपल्स यूनाइटेड हो उसको हम लोग गैमोसेपैलस कहेंगे। पॉलीसेपैलस सेपल्स फ्री, गैमोपेटैलस पेटल्स यूनाइटेड, पॉलीपेटैलस पेटल्स फ्री। स्टैमिनोड, स्टेराइल स्टेमन को हम लोग स्टैमिनोड बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन आ चुका है 2015 में, ठीक है। फिर एपिपेटालस, स्टेमन आर अटैच टू पेटल्स, जैसे हम लोग ब्रिंजल में देखते हैं, ठीक है, स्टेमन अटैच हो पेटल से। फिर आते हैं एपिफाइलस का कंडीशन। तो एपिफाइलस का कंडीशन क्या कहता है कि जब भी वो अटैच हो पेरियंथ से, जैसे कि लिली में। तो मैंने पेरियंथ इससे पहले फैमिली वाली वीडियो में मैंने अच्छे से बता रखा है कि जब भी कैलेक्स और कोडला को हम लोग डिफ्रेंसिएट नहीं कर सकते तो उसको हम लोग पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। लिलियेसी के फैमिली में ये आपको मोस्टली मिलेगा। फिर आते हैं पॉलीएंड्रस में। तो स्टैमेन इन फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री और मे बी यूनाइटेड इन वेराइन डिग्री, ठीक है। तो स्टैमेन फ्लेवर फ्लावर में या तो फ्री होगा या फिर यूनाइटेड होगा, तो उसको पॉलीएंड्रस बोलते हैं। मोनोएडल्फस स्टैमेन्स मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, जैसे कि चाइना रोज में देखते हैं, ठीक है। फिर डायएडल्फस का कंडीशन देखते हैं कि स्टैमेन्स मे बी यूनाइटेड इनटू टू बंडल्स एज इन पी। तो पी वाला भी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में प्लेसेंटेशन में मैंने समझाया है कि पी का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो आप एक बार वो वीडियो चेक करेंगे फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर पॉलीएडल्फस मोर देन टू बंडल्स एज इन सिट्रस। तो सिट्रस में जैसे लेमन वगैरह होता है ना, तो वही चीज है कि जब भी दो से ज्यादा वो बंडल्स में हो तो वैसे कंडीशन को पॉलीएडल्फस बोलते हैं। आप सिट्रस में, आप इससे पहले वाले प्लेसेंटेशन वाले वीडियो को आप एक बार चेक करना, उसमें भी आपको ये कंडीशन समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं हम लोग एपोकार्पस पे। मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, दे मे बी फ्री एज इन लोटस एंड रोज, ठीक है। तो एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे और फ्री होंगे, जैसे कि लोटस और रोज में होते हैं। फिर सिनकार्पस को हम लोग देखते हैं। तो कार्पल्स आर फ्यूज्ड, कार्पल फ्यूज होगा जैसे कि मस्टर्ड और टोमेटो में होता है। फिर आते हैं एक्टिरोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, जब भी एक प्लेन से इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक, जब भी किसी एक प्लेन से डिवाइड करेंगे और इक्वल इक्वल पार्ट में आ जाए तो वो बायलेटरल हुआ, ठीक है, एसिमेट्री हुआ। इरेगुलर, जिसमें कहीं से भी आप कट कर रहे हैं और आपको कभी भी इक्वल पार्ट नहीं मिल रहा है, तो वैसे को इरेगुलर सिमेट्री बोलते हैं, यानी कि एसिमेट्रिक बोलते हैं। फिर आते हैं हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस बिलो द ओवरी, पेरीगाइनस लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस, ठीक है, और एपिगाइनस एबव द ओवरी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।